नाउन होता क्या है? नाउन को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, कि ये किसी पर्सन प्लेस और थिंग का नेम होता है, मतलब कोई भी पर्सन प्लेस या जो थिंग होती है उसका जो नेम है वो नाउन है। तो वर्ड थिंग में आप आइडिया, फीलिंग, कंडीशन, और मैंने आपको अगर याद एक चीज कही थी भाई कि कोई भी जो नाम है वो नाउन है, कोई भी नाम जो है वो नाउन है, जरूरी नहीं वो पर्सन प्लेस या थिंग हो, कोई भी नाम। आपको सोते हुए विजुअल्स आते हैं, उन विजुअल्स को आपने नाम क्या दिया वो नाउन है, उन विजुअल्स को आपने नेम दे दिया ड्रीम, तो वह ड्रीम एक नाउन है। सो सिंपल इज द केस, ओके। तो टॉम हैंक्स इज वेरी वर्सटाइल, तो टॉम हैंक्स एक नाउन है, एक शख्स का नाम है। ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, तो वर्ड ब्रेवरी नाउन है क्योंकि ये किसी की खूबी का नाम है, सॉरी ऑनेस्टी, ही वाज प्रेज्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी किसी की खूबी का नाम है, कि वो खूबी जो है आपके अंदर जो आपको कुछ गलत करने से रोकती है उस खूबी का नाम है ऑनेस्टी, तो जो नाम है वो नाउन है। तो एवरी नेम इज अ नाउन, एक सादा सी बात को आपने ध्यान में रखना है, और जहां कोई क्वेश्चन आपको आए आपने लाजम फौरी तौर पर पूछ लेना है। स्टूडेंट्स जी, लगता है क्वेश्चन आया है। ये नोट्स रुबाब गूगल क्लासरूम में शेयर्ड हैं, कंजंक्शन वाली। गूगल क्लासरूम में जब आप क्लास वर्क पर जाओगे तो क्लास वर्क के अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की हेडिंग है, आप उस पर क्लिक करें तो आगे आपको कंजॉइनिंग मिस्टेक्स के, मैं बल्कि वहां सारे पिछले नोट्स भी एक तरतीब से रखने जा रहा हूं, चीजें सारी मैं अरेंज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को हर शय मिल जाए। क्योंकि व्हाट्सएप के अंदर क्या होता था कि जो है आप लोगों को हर सूरत चीजें ना पीछे से ढूंढनी पड़ती थी, वहां हर वक्त पड़ी होंगी, आप जब मर्जी खोलेंगे एक अरेंजमेंट में एक बुलेट के अंदर मौजूद होंगी, तो आपको मिल जाएंगी जी। तो नोट्स का एक टैब मौजूद है, दोबारा देखिएगा। ओके, नाउन की टाइप्स पर आ जाते हैं जी जल्दी से। नाउन की टाइप्स में सबसे पहले कॉमन नाउन, इट इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन प्लेस ऑफ थिंग। देखो आप सबको मैं एक ही नाम से पुकार सकता हूं, स्टूडेंट, तो लफ्ज़ स्टूडेंट आपका नाम है सबका, जिससे मैं इस नाम से पुकार सकता हूं, तो स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है। मैं कॉमन क्यों कह रहा हूं, आप सबका मुश्तरका नाम है, आप सबका कॉमन नेम है, मुश्तरका नाम है, तो आपका वो कॉमन नाउन हुआ, तो वो भी नाम, वो नेम जो सबका मुश्तरका नाम हो वो कॉमन नाउन है। तो शीप, मैन, रिवर, स्कूल, बिल्डिंग, बेबी, बैग, फ्लावर, फैन, ये सारे कॉमन नाउन है। देखो मैन, 10 बंदे भी बैठे सभी मैन है, शीप है, 100 शीप भी है तो सब शीप है, रिवर जितने भी है सब रिवर है, स्कूल जितने भी है सब स्कूल है, तो ये कॉमन नाउन है। तो बैक्टीरिया कौन सा नाउन है जी स्टूडेंट्स? यस, इट इज कॉमन नाउन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन पे आते हैं जी। नोमान, देखो मेरा अपना नाम है, 10 लड़के बैठे हैं सारे, सबको कॉमनली तो नुमान नहीं कह सकते, आप बॉय कह सकते हैं, नुमान उनमें एक दो हो सकते हैं जिसका नाम होगा। तो लाहौर, रावी, दाहौली कुरान, होंडा, स्टेप, ओके। तो हॉर्स एंड कैटल शो कौन सा नाउन है? यस, इट इज प्रॉपर नाउन। जी जी, कुछ पूछना है? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। काउंटेबल नाउन्स, इट इज द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग विच कैन बी न्यूमेरिकली काउंटेड, जिसको न्यूमेरिकली काउंट किया जा सकता है, ठीक है जी। मैं एक सादा बात कहता होता हूं काउंटेबल नाउन्स के बारे में, पेन्स एक काउंटेबल नाउन है, क्यों?
वन पेन, टू पेन, थ्री पेन, चेयर्स, शूज, कंप्यूटर्स, वन कंप्यूटर, टू कंप्यूटर, थ्री कंप्यूटर, हर वो नाउन जिसके साथ काउंटिंग लग सकती है वो काउंटेबल नाउन है। और इसकी एक और पहचान, और उसकी एक और पहचान, मैं काउंटेबल नाउन की पहचान बता रहा हूं, उसकी प्लूरल बन सकती है। अनकाउंटेबल नाउन की कभी प्लूरल नहीं बनती। मैं अभी आपको दिखाता हूं, आई परचेज्ड अ हाउस, तो द अंडरलाइंड वर्ड इज अ, दो कैटेगरी में आएगा, द अंडरलाइंड वर्ड इज अ, यस यस, कॉमन एंड काउंटेबल। हाउस तो कोई भी हो सकता है, तो जो वर्ड हाउस है वो हमारा कॉमन नाउन भी है और वो हमारा काउंटेबल नाउन भी है। ठीक हो गया जी, कॉमन नाउन भी है और यस काउंटेबल नाउन भी है, जो आपका वर्ड हॉर्स है, हाउस है। देखो कैसे बदला गया काउंटेबल नाउन है, वन हाउस, टू हाउसेस, थ्री हाउसेस, हर वो वर्ड जो कॉमन हो और वो प्लूरल हो सकता है और काउंटिंग लग सकती है, उसको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में डाल लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन इसके उल्टा हो गया। अनकाउंटेबल नाउन वो होगा ना तो जिसकी प्लूरल बनती है और ना ही जिसके साथ काउंटिंग लगा सकते हैं, काउंटिंग लगा सकते, तो अनकाउंटेबल वर्क है ना, तो कभी नहीं कहना वन वर्क, टू वर्क, थ्री वर्क, ये गलत है। वन आप वन लगा ही नहीं सकते उसके साथ। हाँ, आप पीस ऑफ वर्क हो सकता है। आपको याद होगा, आपने कभी एप्लीकेशन याद की होगी, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मुझे एक जरूरी काम है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, अब राइस पे आते हैं। आप कभी कहेंगे टू राइस, थ्री राइसेस, कभी भी नहीं। राइस जितने भी पका लें वो राइस है। हाँ, प्लेट की नहीं जा सकती है कि वन प्लेट ऑफ राइस, टू प्लेट्स ऑफ राइस, लेकिन देखो टू को मैं डायरेक्ट राइस के साथ नहीं लगा पाया, तो काउंटिंग डायरेक्ट इसके साथ लग ही नहीं पाई, ना ये राइसेस हो पाया। हेयर आपके साथ पर जितने मर्जी बाल है, ये हेयर ही है, याद रखिएगा। हाँ, वो हेयर कब करना है, ये एक एक्सेप्शन आएगी, सीखेंगे। सीनरी, मिल्क, मनी, ओके। His honesty is applaudable, applaudable काबिले तारीफ। Honesty कौन सा नाउन है, बोलिए बोलिए। Honesty हमारा yes, abstract and uncountable noun। अब ये abstract noun क्या होता है, uncountable तो हो गया, honesty हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हो गया। एब्स्ट्रैक्ट उसको कहते हैं जिसकी फिजिकल बॉडी ना हो, वो नाउन जिसकी फिजिकल बॉडी ना हो। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन बड़ा मजे का चीज है। It is the name of the things out of which other things are made. ये चीजों का नाम है, उन चीजों का नाम जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। ये उन चीजों का नाम है जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। गोल्ड, गोल्ड से बहुत सारी चीजें बनती हैं। सिल्वर, मटन, प्लास्टिक, वुड, मिल्क, राइस, कॉटन। तो राइस एक मटेरियल नाउन भी हुआ कि दूसरी चीजें बनती हैं। मटेरियल नाउन की एक खूबी याद रखिएगा, हमेशा लाजम याद रखनी है कि भाई मटेरियल नाउन्स जो होते हैं ये हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। मजे की बात, अब अनकाउंटेबल नाउन की खूबी थी कि उनकी कभी प्लूरल नहीं होती, क्योंकि काउंटेबल की प्लूरल होती है तो अनकाउंटेबल की प्लूरल नहीं होती। काउंटेबल के साथ काउंटिंग आती है, अनकाउंटेबल के साथ काउंटिंग नहीं आती। सारे मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है, ना काउंटिंग आएगी ना प्लूरल होंगे। गोल्ड है जितना मर्जी है वो गोल्ड है, सिल्वर है जितना मर्जी है वो सिल्वर है। ठीक है जी, ठीक है। चल कोई क्वेश्चन हो बताइएगा। प्लास्टिक है जितना मर्जी है प्लास्टिक से, गोल्ड इज अ
अभी हमने पढ़ लिया मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे थोड़ी सी बात पीछे हो गई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है कि ये कंक्रीट नाउन का उल्टा है। कंक्रीट नाउन जिसकी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी फिजिकल बॉडी नहीं है। ब्यूटी एक नाउन तो है लेकिन फिजिकल बॉडी नहीं रखता। ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ट्रूथ, डेथ, डेथ जो होती है मौत, नॉन फिजिकल है। डेड की बॉडी होती है, डेथ की कोई बॉडी नहीं होती। तो डेड एक कंक्रीट नाउन है लेकिन डेथ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके जी, नेक्स्ट आते एंगर इज ए एन डैश नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट सर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसकी रीजन, एंगर है तो नाउन, हमारी वो हालत जिसमें हम शदीद किसी को डांट रहे हो, बोल रहे हो, तो उस हालत का नाम है एंगर। तो है तो नाउन, नाम है, लेकिन उसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड। कलेक्टिव नाउन जी, नाउन की काइंड खत्म हो रही है बस। कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं, याद रखिएगा, जो कलेक्टिवली एक ग्रुप बना हो और उसका नाम रखा हो। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी और यूनिट। ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स का नाम होता है जी। कौन से पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स? ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी, जिनको एक सिंगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, एक सिंगल एंटिटी के तौर पर जिनको देखा जाता है। कंपनी, आर्मी, क्लास, ज्यूरी, क्राउड, स्टाफ, ऑडियंस, ये प्योर कलेक्टिव नाउन है। देखो कई लोग मिलते थे कंपनी, तो एक ग्रुप बन गया, एक सिंगल एंटिटी के तौर पर वर्क करने लग गया, तो कलेक्टिव नाउन है। आर्मी कई सोल्जर्स हैं, क्लास कई स्टूडेंट्स हैं, ज्यूरी कई जजेस हैं, क्राउड कई लोग हैं। ठीक हो गया जी सर? जी जी सर, ये जिस तरह सर पीपल्स हैं, हम पीपल्स नहीं कहते, हम पीपल कहते हैं, तो सर कलेक्टिव नाउन नहीं होता, याद रखिएगा। समझाता हूँ, पहले आप क्वेश्चन पूरा कर लें। ये सर मैं यही पूछने लगा था कि हम उसमें क्या क्राइटेरिया सर? देखो कलेक्टिव नाउन जो एक सिंगल एंटिटी बन जाए, सिंगल एंटिटी से मुराद है कि जिनका एक कॉमन मकसद हो, जो मिलकर एक ही काम कर रहे हो। क्लास हम तभी कहते हैं एक स्टूडेंट्स के ग्रुप को जब वो इकट्ठे पढ़ रहे हो। आर्मी तभी कहते हैं जब वो इकट्ठे किसी मिशन पर हो। ऑडियंस तभी कहते हैं जब वो इकट्ठी बैठकर हमारी बात सुन रही हो। ज्यूरी जजेस को तभी कहते हैं जब वो इकट्ठे बैठकर एक फैसला कर रहे हो। पीपल जो होते हैं लोग, वो तो कहीं भी हो सकते हैं। मैं लफज पीपल कह रहा हूं तो मैं तो मुखातिब हूं हर शख्स से जो मेरे सामने है, जो मेरे सामने नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आई विल सेंड इट टू मैनी पीपल। अब मैं जब कहता हूं मैनी पीपल, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो मुख्तलिफ लोगों की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं कभी कह सकता हूं मैनी क्लास, मुझे फिर मैनी क्लासेस कहना पड़ेगा, मैनी आर्मीज कहना पड़ेगा, मैनी कंपनीज कहना पड़ेगा। लेकिन पीपल खुद अपने साथ मैनी लिए जा रहा है, इसका मतलब पीपल होता है डिफरेंट टाइप के होते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर लोकेटेड होते हैं। वो एक यूनिट बने हुआ नहीं होता। लफ्ज पीपल एक यूनिट को शो नहीं करता। तो आई डू होप समझ सर मैं जी जी सर, मैं ये कह सकता हूँ कि पीपल जो एक प्लूरल नाउन है, तो इसका सिंगुलर सर मैं पर्सन कह सकता हूँ फिर सिंपली? यस, पर्सन उसका सिंगुलर नाउन है, पीपल उसका प्लूरल नाउन है। अब ऐसा ही है, पर्सन ही असल में पीपल का सिंगुलर है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो हर्ड एक कलेक्टिव नाउन है जी। क्यों? काफी सारे एनिमल्स हों तो हम उसको हर्ड कहते हैं। जल्दी से कंपाउंड नाउन, और ये देख रहे हैं क्या कहता। कंपाउंड नाउन होता है जो दो नाउन से मिलकर बना, दो नाउन से, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर और लॉ के मिलके बना।
आइसक्रीम, ये दो से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो नाउन आइस और क्रीम से, हैंड पंप, हैंड करचीफ, तो ये हमारे कंपाउंड नाउन होती हैं। तो आइसक्रीम इज अ कंपाउंड नाउन। तो आइए नेचर ऑफ नाउन एरर्स पर बात करते हैं कि नाउन्स की एरर्स कैसे होती हैं। याद रखिएगा उर्दू में अक्सर जो आप एरर करते हैं वो जेंडर बेस्ड होती हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन। आप इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आइसक्रीम खाना है कि आइसक्रीम खानी है, 50 रुपए का दही लाओ कि 50 रुपए की दही लाओ, ये मेरा साइकिल है या मेरी साइकिल है। उर्दू की करेक्शन में आपको नाउन की जो करेक्शन है उसमें जेंडर मिलता है, लेकिन इंग्लिश में आपको जो नाउन की करेक्शन होती है उसमें जेंडर नहीं मिलता बल्कि नंबर मिलता है, सिंगुलर प्लूरल जिसको हम कह रहे होते हैं। हमने यहां ये डिसाइड करना होता है कि नॉलेज इज के नॉलेज आर, और क्या नॉलेजेस कह सकते हैं, कैटल इज के कैटल आर, और क्या कैटल्स कह सकते हैं, शीप इज के शीप आर, और क्या शीप्स कह सकते हैं। हमारी इंग्लिश की जो करेक्शन है वो नंबर बेस्ड है और जो उर्दू की करेक्शन है वो प्योरली जेंडर बेस्ड है। तो हम अब जो करेक्शन करने लग गए वो प्योरली हमारी जो है वो नंबर बेस्ड होती है। आइए नंबर ऑफ नाउन्स पे करते हैं। नंबर ऑफ नाउन्स मतलब नाउन की वाहक जमा। जी हम नाउन्स की प्लूरल बनाते हैं चेयर से चेयर्स, वॉच से वॉचेस, कि अक्सर हम एस या ईएस लगा देते हैं। ये पहली वाली पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि हम एस या ईएस लगा के प्लूरल बना लेते हैं ज्यादातर, पेन से पेन्स, सेलफोन से सेलफोन। लेकिन अगर किसी वर्ड के एंड पर एफ या एफ ई आ रहा हो तो हम ई एस लगा लेते हैं, यूजली, हमेशा नहीं। जैसे हाफ है तो हाफ्स, नाइफ है तो नाइव्स, वाइफ है तो वाइव्स। तो ये यूजली हम कॉमन इंग्लिश में ये कर रहे होते हैं कि हम जो है वो सिर्फ एस ई एस लगा लेते हैं, और अगर एफ एफ ई हो तो वी एस लगाते हैं। अब आगे कुछ ग्रीक और लैटिन नाउन्स, कुछ ग्रीक और लैटिन नाउन्स, ठीक है जी। तो जो लैटिन नाउन्स होते हैं ये कुछ और तरह से बनते हैं। देखो क्राइटेरियन सिंगुलर है तो क्राइटेरिया एक्सटेंडेड को कहते हैं। जिस लफ्ज के एंड पर लैटिन और ग्रीक में, ये लैटिन और ग्रीक से वर्ड इंग्लिश में आए हैं और अब इंग्लिश का पार्ट बन गया। जैसे उर्दू में बहुत सारे वर्ड अरेबिक और पर्शियन, फारसी और अरबी से आए हुए। फिनोमिनन से फिनोमिना, ठीक है, एन आ गया तो आ बन गया। जिनके एंड पर एम आए उनके एंड पर भी आ लगाते हैं। मीडियम से मीडिया, मीडियम सिंगुलर, मीडिया प्लूरल। मेमोरेंडम से मेमोरेंडा, वो जो एक रिटन अग्रीमेंट होता है किसी चीज का, अक्सर वो मेमोरेंडम होता है जी, उसको कहा जाता है। डेटम से डेटा, बैक्टेरियम से बैक्टेरिया, बैक्टेरियम एक है बैक्टेरिया ज्यादा है, ठीक है। और एजेंडम से एजेंडा, एजेंडम से एजेंडा। तो एम आ गया, एजेंडम एक चीज है, एजेंडा ज्यादा होती है। फिर आखिरी आपको नजर आ रहा है, आई थिंक रीडेबल नहीं हो रहा, मैं इसको स्लाइड को दोबारा बंद करके दोबारा ओपन करता हूं, देन आपको ये सही तरह से रीडेबल होगा। ये नीचे वाली गायब भी नहीं हो रही, टास्क बार लॉक हुई हुई थी, एक मिनट। यस अब ठीक। तो देखो स्टिमुलस से आपको मिल गया स्टिमुल आए, तो एस आ जाए तो आए आता है। रेडियस से रेडी आए, ऑल द रेडियस भी ठीक है। और स्टेफाई लोकोकस से स्टेफाई लोकोकाय, बायो वाले लोगों को याद होगा स्टिमुलस से स्टिमुल आए, तो एस आ जाए तो आए हमारा एंड पर आ रहा होता है। तो कुछ नाउन ऑफ नंबर्स डिफरेंट भी तरह से होते हैं, जैसे माउस है तो माइस, बस अंदर आपने जो है सिर्फ और सिर्फ आपने अंदर का वॉल बदलना है। माउस है तो माइस, फुट है तो फीट, लाउस है तो लाइस,
मैन है तो मैन, टूथ है तो टीथ और गूज है तो गीज। आप गौर करें अंदर का सिर्फ वॉल बदला है, तो माउस है तो अंदर के वॉल जो होते हैं ए ई आई ओ यू की जो वॉल्स है वो चेंज कर दिए, प्लूरल हो गया। फुट था तो फीट, लाउस था तो लाइस, जुओं को कहते हैं। गूज आपको पता है एक वो परिंदा है, तो गीज। तो अंदर का सिर्फ और सिर्फ हमने वॉल बदला और वो प्लूरल हो गया, सिंगुलर से प्लूरल में कंपोजिशन हो गई। यहां तक कोई पूछने वाली बात? नो सर। चलो ठीक है, गुड हो गया। रूल्स पर आते हैं जी। अच्छा क्वेश्चन आ रहे हैं जी, रिटर्न में भी क्वेश्चन आए, मैं जरा वो रीड कर लूं। क्लियर सर, वेरी गुड। नाउन की बेस होगी जी हमारी कंप्लीट। अब नाउन की करेक्शन के रूल्स पढ़ते हैं। द फॉलोइंग नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब्स, न्यूज, बिलियर्ड्स, मीजल्स, रिकेट्स, वेयर अबाउट्स, ये हमेशा सिंगुलर नाउन लेंगे जी। तो इनके साथ दो रूल्स हैं जी कि इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। एक मिनट मैं पेन सेलेक्ट कर लूं। इनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा लेकिन इनकी अपनी स्ट्रक्चर प्लूरल होगी। कभी न्यू नहीं कहना खबर को, हमेशा न्यूज। ये बने नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से है। ये एक लफ्ज है जिसके एब्रीवेशन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ से बनकर एक न्यूज बना लिया। बिलियर्ड्स आपको पता है गेम का नाम है, जिसको स्नूकर भी आप कह लेते हैं, स्नूकर बिलियर्ड्स। तो बिलियर्ड गेम नहीं है, गेम का नाम ही बिलियर्ड्स है। मीजल्स बीमारी है, रिकेट्स बीमारी है, वेयर अबाउट्स आपका अता पता। तो दिस न्यूज इज द लेटेस्ट, कभी न्यू नहीं कहना, शक्ल प्लूरल रहेगी, वर्ब सिंगुलर लेगा। बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, मीजल्स इज अ कंटेजियस डिजीज। तो मीजल्स इज, बिलियर्ड्स इज, न्यूज इज। डन हो गया स्टूडेंट्स? चले, दैट्स रियली गुड। तो ये बताएं, फॉलोइंग नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स, ये नाउन्स की एक लंबी लिस्ट है जी और हम साथ पा रहे हैं ये सारे के सारे प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। पैंट्स, पैंतलूंस, ट्राउजर्स, सीजर्स। गौर करें इनके साथ वर्ब प्लूरल आना है और इनकी अपनी स्ट्रक्चर भी प्लूरल है। हर एक में दो बातें की हुई है हर रूल के अंदर कि उनके साथ वर्ब कैसा आना है, उसकी अपनी स्ट्रक्चर कैसी आनी है। वर्ब प्लूरल, स्ट्रक्चर भी प्लूरल। पेंट नहीं कहते, हमेशा पेंट्स कहते हैं, और पतलून्स कहते हैं, ट्राउजर नहीं कहते। अक्सर हम कहते हैं ना ट्राउजर लिया है, वो गलत कहते हैं, ट्राउजर्स होता है इंग्लिश का असल वर्ड, अगर आप डिक्शनरी खोल के देखें, ट्राउजर्स। सीजर नहीं होता, कैंची के लिए सीजर्स, जिनके ऊपर स्टेरिक लगे हैं वो आगे उनको डिस्कस मजीद करना पड़ेगा हमें, उनकी कुछ एक्सेप्शन आएंगी। स्पेक्टिकल्स, चश्मा है, ग्लासेस, ग्लास पानी पीने वाला हो सकता है, जो आंखों पर आप लगाते हैं नजर के लिए, धूप के लिए, वो ग्लासेस हैं। स्केल्स, बायनोक्युलर्स, दूरबीन है। स्केल्स तराजू, तराजू को कभी स्केल नहीं कहना, वो जो आप रूलर यूज करते हैं वो स्केल हो सकता है। टोंग्स, चिमटा, मैनर्स, आदाब, आर्म्स, हथियार, ALMS आर्म्स, ज़कात वगैरह, पर्टिकुलर्स आपके कवायफ, जिसको आप डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। रिचिस, दौलत को कहेंगे, अमारत, रिच अमीर होता है लेकिन वो तो एडजेक्टिव है, अमारत जो आपके पास पैसा है वो रिचिस है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास गुड्स या वेयर्स, अशिया, सेविंग्स, बचत। अच्छा एज अ नाउन सेविंग्स ही होगा, हाँ एज अ वर्ब सेविंग हो सकता है कि आई एम सेविंग मनी, पर हम तो नाउन का टॉपिक कर रहे हैं, तो एज अ वर्ब सेविंग्स ही कहेंगे। हम कह सकते हैं कि ही हैज लॉट ऑफ सेविंग्स, कभी नहीं कहना ही हैज लॉट ऑफ सेविंग। स्टेयर, सीढ़ियां, कभी स्टेयर नहीं कहते इकट्ठा, हाँ स्टेयर केस कह लेते हैं, लेकिन वैसे अकेला कहना तो स्टेयर नहीं कहना, फिर स्टेयर्स ही कहना है। एनल्स, तारीखी मवाद, के आई लुक्ड ऑल द एनल्स ऑफ हिस्ट्री, के सारे तारीखी औराक छान मारे, तारीखी मवाद छान मारा। वैल्यूएबल, कीमती अशिया, वैल्यूएबल एडजेक्टिव होता है कीमती, लेकिन अगर कीमती अशिया का मीनिंग देना हो तो वैल्यूएबल्स, फिर वैल्यूएबल नहीं कहना, नाउन के तौर पर वैल्यूएबल दिए। ग्राउंड्स, वजूहात, अच्छा ग्राउंड मैदान है लेकिन वजह और वजूहात की मीनिंग में सिर्फ ग्राउंड्स कहते हैं। ही वाज डिसमिस्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड, नहीं ऑन मेडिकल ग्राउंड्स ही कहेंगे। पेन्स, ये पेन्स जो ऊपर स्टेरिक लगा है इसको मजीद एक्सप्लेन होना है, एफर्ट्स का मीनिंग,
ठीक है जी। तो पेंस एफर्ट्स, नो पेंस नो गेंस, कोई एफर्ट्स नहीं तो कुछ हासिल नहीं। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस मींस मुबारकबाद, कभी कंग्रेचुलेशन नहीं कहना। आप देखो शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं मैसेज में तो कंग्रेट नहीं कहते, कंग्रेट्स। बिलोंगिंग्स आपकी अशिया जो आपकी मलकियत हैं, एसेट्स असासे, एसेट नहीं कहना। ऑर्डर्स एज अ नाउन ऑर्डर ही होगा, ऑर्डर्स ही होगा जी। द जज इशूड ऑर्डर्स, कभी ऑर्डर नहीं कहना, ऑर्डर एज अ वर्ब होता है, ही ऑर्डर दे ऑर्डर मी, लेकिन द जज इशूड, इशूड वर्ब है तो अब ऑर्डर्स आगे नाउन आ रहा है। थैंक्स, कभी आपने अकेला कभी देखा है थैंक, जब अकेला थैंक कहते हैं वो वर्ब होता है थैंक यू, लेकिन कभी अकेला थैंक बोला हो आपने कभी कहा थैंक, आप हमेशा अकेला बोलते हैं तो थैंक्स, क्योंकि एज अ नाउन थैंक्स। ये क्लॉथ्स, ये जो सिले हुए कपड़े हैं ये क्लॉथ्स ही होते हैं, कभी क्लॉथ नहीं कहना, अनसिलों को क्लॉथ कहते हैं। सॉक्स, जुराबों को सॉक नहीं कहना। ब्रिचिज, वो मैं ब्रिचिज अक्सर कह रहा होता हूँ, वो बदतमीज ट्राउजर्स होते हैं, वो थोड़ा सा ऊपर शॉर्ट ट्राउजर्स को ब्रिचिज कहते हैं। ट्वीजर्स, ट्वीजर्स वो जो बाल खींचने वाली मोचनी सी होती है, उसकी दो टांगे होती हैं। आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स होता है मजाफाती इलाका, इर्द गिर्द का इलाका, जो पेरिफेरल एरिया है। फिजिक्स वाले मेरी बात समझ के होंगे, पेरिफेरल एरिया। आपने अक्सर वो रमजान में सुना होगा कि कराची और उसके मजाफात में, तो वो मजाफात को आउटस्कर्ट्स कहते हैं। मजाफात मतलब इर्द गिर्द के इलाकों में जो उसके कराची के बॉर्डर, बॉर्डर्स के साथ हैं। कंटेंट्स फहरिस्त को कहते हैं, आपकी बुक की जो फहरिस्त होती है उसके ऊपर क्या लिखा होता है, कंटेंट्स। हाँ, अकेला कंटेंट फार्मिंग पार्ट होता है जिससे मिलाकर कोई चीज बनती है, लेकिन फहरिस्त के मीनिंग में हमेशा कंटेंट्स ही कहना है कभी, के कंटेंट्स ऑफ द बुक आर रिटन एट द स्टार्ट, वो फहरिस्त। और मेजर्स, इकदामात। हाँ, अगर मापने का मीनिंग हो तो मेजर हो सकता है, मेजर इट्स लेंथ, लेकिन इकदामात के मीनिंग में आप हमेशा मेजर्स ही कहेंगे, स्टूडेंट्स याद रखिएगा। तो एक्सक्यूज मी सर, जी जी बोले बोले सर, वहां पे हमारे पास सर कुछ जो है जिस तरह बायनोकुलर्स है, तो सर वहां पे तो सर जिस तरह ट्राउजर्स है, तो सर वो दो साइड्स जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए शायद हम ट्राउजर्स कह रहे हैं सर, कुछ सेंस बनती है दो चीजों के सेंस में। सर जो बाकी जो है ग्राउंड्स है या मेयर्स हैं सर, इनको किस बेस पे हम इस तरह कह रहे हैं सर? देखें, आपने असल में कहा कि कोई लॉजिक निकालो कि पैंट्स की दो टांगे हैं, ट्वीजर्स की हैं, बायनोकुलर्स की दो टांगे हैं, ग्लासेस चश्मे की दो टांगे हैं, लॉजिक ट्वीजर्स की भी दो टांगे, सॉक्स की भी चलो दो टांगे होती हैं, ये थैंक्स को क्यों, एनल्स को क्यों, आर्म्स को क्यों, रिचीज को क्यों, सेविंग्स को क्यों, स्टेयर्स को क्यों। बच्चे याद रखना एक मेरी बात, आपने ध्यान से सुननी है कि जो आप लोगों की लैंग्वेज पहले आई कि ग्रामर पहले आई, मुझे ये आंसर कर दें, आपको कभी आपको ये पूछे नहीं, ग्रामर बनाकर लैंग्वेज बनाई गई कि लैंग्वेज बनी हुई थी फिर उससे ग्रामर निकाली गई कि अच्छा लोग इस तरह यूज करते हैं तो ये इसका रूल बनेगा। बताइए कि पहले रूल बनाया गया फिर उससे लैंग्वेज बनाई गई? सर लैंग्वेज ऑब्वियसली फर्स्ट थी, लैंग्वेज आई। इसी वजह से जो हमारी लैंग्वेज होती है वो आर्बिट्रेरी है, ग्रामर्स आर्बिट्रेरी होती हैं, एज पर जो है वो यूसेज ही हम इनको देखते हैं। देखो ही हैज है, शी हैज है, लेकिन आई हैव है भी, ही हैज है, ही भी एक बंदा था, शी भी एक बंदा था, बंदी थी चलो, तो आई भी तो एक ही बंदा है, आई कौन सा 10 हो गए, आई भी तो एक ही बंदा है तो आई के साथ हैव क्यों। ये है लैंग्वेज की आर्बिट्रेरी नेचर। तो ये जो हम आपको लैंग्वेज के रूल्स करवाते हैं, ग्रामर के रूल्स करवाते हैं, ये साइंस नहीं है। साइंस में है, हर चीज की लॉजिक है कि ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, हर सूरत निकलेगा सी इज इक्वल टू ए, लेकिन लैंग्वेज में सी इज इक्वल टू ए नहीं बनेगा। अगर लैंग्वेज के रूल की बात करें वो सी हो सकता है नॉट इक्वल टू ए निकल आए, तो लैंग्वेज डिफरेंट हो सर चीज का नाम। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर अगर हम मतलब ऑब्वियसली लैंग्वेज, तो सर हम इसको रूल्स से जो सीखते हैं तो सर हम ये गलत नहीं करते, क्योंकि रूल्स तो सर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। यही तो मसला है, एक सेकंड जो नेटिव लर्नर होता है, सेकंड लर्नर, उसके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम होगा सर फिर। आप बिल्कुल ठीक है कि सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स जो होते हैं असल में वो ग्रामर से सीखने की कोशिश करते हैं, वो ग्रामर से सीखना ही तो असल में सबसे बड़ा मसला बना हुआ है कि हम ग्रामर से सीखने की कोशिश करते हैं
और ग्रामर टोटली आर्बिट्रेरी है, वेरिएबल है। और लेकिन जो मैंने आपको बात बता दी, ये बात जानने के ऐसे यूज होती है, अब आप कल को आपको पेपर में आए कि सीजर इज ऑन द टेबल, तो आप कहेंगे नहीं जी गलत है, सीजर नहीं कहना, सीजर्स कहना है और इज नहीं कहना, आर कहना है। ग्राउंड जो है वजह के मीनिंग में ये नहीं कहना कि ही वॉज डिसमिस्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड, ऑन मेडिकल ग्राउंड कहना है। भी वजह क्या है, वजह है यूसेज बस, के लैंग्वेज का ये इस्तेमाल ये है यहाँ इस तरीके से। आप मैंने बोला कि इसमें साइंस की तरह लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे, मेरी बात समझ आ रही है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे रिचीज है ना, रिचीज दौलत, आपने स्टेबल में पढ़ा था, तो रिचीज इज नहीं, देखो रिचीज आर अ मींस टू गेट एवरीथिंग। सीजर्स है तो सीजर्स इज नहीं, सीजर्स आर लाइंग ऑन द टेबल, आप पेयर ऑफ सीजर इज कह सकते हो। देखो सीजर्स आ रही है, लफज सीजर तो होता ही नहीं, लेकिन आ पेयर ऑफ सीजर्स आप इज कह सकते हैं क्योंकि वो एक पेयर रह गया, तो आ पेयर ऑफ सीजर्स इज। तो पॉजिटिव मेजर्स हैव बीन टेकन अगेंस्ट डेंगी, तो वो पॉजिटिव मेजर्स हैं, ठीक है जी। तो लेकिन मेजर द लेंथ ऑफ अ वॉल, गौर करें जब मैं कहता हूं मेजर द लेंथ ऑफ अ वॉल, ये जो आखिरी वाला जुमला है, तो इसमें मेजर जो है वो एज अ वर्ब यूज हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेजर, मापो। लेकिन जब मैं मेजर्स का वर्ड यूज करता हूं तो एकदम आते फिर मेजर नहीं कह सकते, फिर आपको मेजर्स ही कहना है, आपको दिन हर सूरत मेजर्स ही यूज करना है, ठीक है जी। तो आई डू होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। कुछ एक्सेप्शंस को हम देख लेते हैं। के हमारे पास कंटेंट है ना, तो फार्मिंग पार्ट है, सिंगुलर यूसेज है कंटेंट। तो कंटेंट्स जो होते हैं वो फहरिस्त के मीनिंग में आ जाता है, तो उसको मैं कभी कंटेंट नहीं कह सकूंगा। ऑर्डर या ऑर्डर्स ऐसा वर्ब यूज हो सकता है, दे ऑर्डर मी, ही ऑर्डर्स मी, लेकिन एज अ नाउन कभी ऑर्डर नहीं कहना, वो ऑर्डर्स ही कहना है। ऑर्डर हैज बीन इशूड नहीं, क्योंकि यहां वर्ब अब इशूड है, ऑर्डर्स हैव बीन इशूड, कभी ऑर्डर हैज बीन इशूड नहीं कहना, ऑर्डर्स। पेन एक फिजिकल ट्रबल हो सकती है, सिंगुलर यूसेज लेगा, पेन एक फिजिकल ट्रबल है, जिस्मानी दर्द है, तब मैं पेन कह सकता हूं। लेकिन एफर्ट्स के मीनिंग में आपने पढ़ा कल टेबल में, अगर आप टेबल देखो तो आपने पढ़ा कि वो पेन्स ही होगा हमेशा। वेयर वाज दैट इन दैट टेबल, यस, तो एफर्ट्स के मीनिंग में वो पेन्स ही होगा। स्टेरिक लगाने का इसके साथ मकसद ये था कि इसको हम एक्सेप्शन में पढ़ेंगे जाके आगे। मैनर हो सकता है मेथड किसी चीज का, दिस इज द इजिएस्ट मैनर टू डू इट, लेकिन आप आदाब के मीनिंग में सिर्फ मैनर्स ही लेंगे कि उसको कोई एटिकेट्स नहीं आते, आदाब नहीं है, तो वो मैनर्स ही कहेंगे, ही डज नॉट नो एनी मैनर्स। तो आई डू होप कि आपको इससे काफी चीजें समझ आ गई होंगी, बात पल्ले पड़ गई होगी। आगे बढ़ते हैं जी, हमारे पास रूल थ्री पे। अच्छा, रूल टू में कोई बात जो पूछने वाली हो, कोई क्वेश्चन, तो आप अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं। मैं इधर से एक बार दोबारा इंश्योर करता हूं कि यू हैव अथॉरिटी टू टर्न ऑन योर माइक, तो यस, आप माइक ऑन कर सकते हैं जी अपना चाहें तो। कोई क्वेश्चन यहां से पूछना चाह रहे हो इतनी जगह से, नथिंग जी, ओके, क्वेश्चन पूछा करें, कोई चीज समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए। रूल थ्री पे आते हैं। रूल थ्री में आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, सीनरी, एक बार वर्ड्स दिखा देता हूं, सीनरी, इंफॉर्मेशन, वकेशन, वकेशन छुट्टियां है जी, पोइट्री, फर्नीचर सामान है, मशीनरी, कॉर्न, कॉर्न गल्ला होता है, इक्विपमेंट, ब्रेड, राइस, नॉलेज, लगेज, ज्वेलरी, ट्रैफिक, अब्यूज, यहाँ अब्यूज का मीनिंग गाली है जी, हेयर, ऑपरेटर सामान है, वर्क, एडवाइस, बिजनेस। अब इनके बारे में जो मजे की चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं,
वो ये है कि आप इनको हमेशा इनका सब्जेक्ट भी सिंगुलर लेंगे, इनका मतलब वर्ब भी सिंगुलर लेंगे और इनकी जाति स्ट्रक्चर भी हमेशा सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर और जाति स्ट्रक्चर भी सिंगुलर। याद रखिएगा इस रूल थ्री के सारे वर्ड्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनकाउंटेबल, कि इनको हम काउंट कर नहीं सकते। दीज आर बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन्स। मैं इसको लिख रहा हूं आपके लिए, अनकाउंटेबल नाउन्स। ये अनकाउंटेबल नाउन्स है, दैट इज वाई, चूंकि इनको काउंटिंग नहीं हो सकती, तो जिसकी काउंटिंग ना, आपको पता है मैंने कहा उसकी प्लूरल भी नहीं होती। तो कभी सीनरीज नहीं कहना, इंफॉर्मेशन नहीं कहना, छुट्टियां जितनी मर्जी हो जाए वकेशन नहीं कहना। तो इसी तरह बच्चा पार्टी, आपने जो है इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगाना है, जितनी मर्जी छुट्टियां हो वकेशन ही होंगी। आइए एग्जांपल देखते हैं। द सीनरी ऑफ मरी इज ब्यूटीफुल, सीनरीज ऑफ मरी नहीं। अच्छा, यहां सीनरी का मतलब जो है वो बच्चा पार्टी आपका बेसिकली मीनिंग मंजर, मनाजर है। वो जो हमारे घरों में सीनरी लगी होती है ना, वो इसका मीनिंग नहीं है। जिसमें क्या नाम लेते हैं, तस्वीर होती है कोई, ये मतलब जैसे आप किसी खूबसूरत नेचुरल सीन को देख रहे हो, वो सीनरी। वो जितनी मर्जी सीनरी हो वो सीनरीज नहीं कभी कहना। हर हेयर इज ब्यूटीफुल, गौर करें, हर हेयर इज ब्यूटीफुल। आपके सर पर ये जो पूरा जंगल है माशाल्लाह, अल्लाह इसे आबाद रखे, ये हेयर ही है जी, ये हेयर्स नहीं है, ये आपका एक बॉडी पार्ट है। हर हेयर इज ब्यूटीफुल, हेयर्स कब कहना है ये जरा देखते हैं। क्या आपने हेयर्स कब कहना है, ये एक्सेप्शन आगे अगली स्लाइड में। वेन काउंटेबल, जब आप गिनना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी के बाल आप गिन रहे हैं कि हर थ्री हेयर्स, हर थ्री हेयर्स आर वाइट, तब कह लें हेयर्स। मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ रही होगी कि तब आपने हेयर्स कह लेना है, लेकिन अदरवाइज आपने हेयर ही कहना है जो आपका एक बॉडी पार्ट है। मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड बी काउंटेड, मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड बी काउंटेड। अब यहां हेयर्स क्यों किया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके बाल गिने जा सकते हैं, मे बी द हेयर्स ऑफ माई हेड बी काउंटेड, कि शायद मेरे सर के बाल गिने जा सकते हैं। वर्क्स जो है आप तभी कहेंगे जब लिटरेरी और आर्ट बुक्स या पेंटिंग्स होंगी, लिटरेरी आर्ट या और बुक्स या पेंटिंग्स होंगी। वर्क्स ऑफ शेक्सपियर आर वर्थ रीडिंग, शेक्सपियर के वर्क्स का मतलब शेक्सपियर की बुक्स हैं। अब्यूजेस डीमेरिट्स के मीनिंग में आएगा, नुकसानात के मीनिंग में, वरना कोई जितनी मर्जी बुरे लफ्ज बोले, गालियां दे, तो अब्यूजेस नहीं कहना। He described abuses of science in his speech. अपनी साइंस में, अपनी स्पीच में उसने साइंस के अब्यूजेस बयान किए, मतलब उसके डीमेरिट्स बयान किए। लेकिन he gave me many abuses नहीं कहना, या he delivered he uttered abuses नहीं कहना, आपने अब्यूज ही कहना है। हाँ, अगर वो ज्यादा हैं, गिनने हैं, तो वर्ड्स ऑफ अब्यूज कह सकते, वर्ड्स ऑफ अब्यूज के बहुत सारे गालियां दी, वर्ड्स ऑफ अब्यूज उसने डिलीवर किए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो नेक्स्ट मैं मूव करता हूं जी रूल नंबर फोर पे। तो अच्छा जी, स्टूडेंट का एक काम आ गया, क्वेश्चन आ गया। यस यस, क्वेश्चन पूछें जी, पूछें। और अगर सर, सर अगर ऐसे हो ही अब्यूजेस मी, देखो वो तो ऐसा वर्ब आ गया ना जवेरिया, आप गौर करें, ही अब्यूजेस मी ऐसा वर्ब आया है, वो मुझे गाली देता है, ही अब्यूजेस मी, तो यहां अब्यूज ऐसा वर्ब आया है, तो आप लगाएं ऐसा वर्ब, तो मैंने कहा रोका ही नहीं आपको लगाने से।
मैं बात कर रहा हूं यहां जो बेसिकली जिस चीज को आपने फोकस करना है, एज अ नाउन उसको कैसे यूज करना है, एज अ नाउन कैसे लेके चलना है, ठीक है। तो एज अ नाउन आप उसको अब्यूजेस गालियों के मीनिंग में नहीं कहेंगे, हम तो टॉपिक ही नाउन का पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे पास द जेंट्री डज नॉट लाइक दिस। अच्छा पहले चीजें देखते हैं। फॉलोइंग नाउन्स टेक प्लूरल वर्ब्स, जो मंदरजा ज़ैल नाउन है वो प्लूरल वर्ब्स लेते हैं, सिंगुलर वर्ब्स नहीं लेते जी, प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। अब प्लूरल वर्ब से हमारी क्या मुराद है कि आप इनके साथ इज नहीं लगाएंगे, आर लगाएंगे, लेकिन मजे की चीज है दे हैव सिंगुलर स्ट्रक्चर ऑफ देयर ओन, इनकी अपनी स्ट्रक्चर हमेशा सिंगुलर रहेगी, वर्ब प्लूरल लेकिन अपनी स्ट्रक्चर सिंगुलर। जेंट्री पोल्ट्री पीजेंट्री, जेंट्री शुरफा, पोल्ट्री मुर्गियां वगैरह, पेजेंट्री किसान, कैटल मवेशी, क्लर्जी, क्लर्जी होता है ये जो मजहबी लोग होते हैं, उल्मा पादरी स्पेशली क्रिश्चियनिटी में, पुलिस, वर्मिन, वर्मिन हशरात कीड़े मकोड़े, फॉक अजीजो अकारब, अल्फाबेट हरूफ तहजी, पीपल लोग, ऑफस्प्रिंग औलाद, स्टेरिक लगे हुए, इनके कुछ एक्स्ट्रा बातें भी होंगी। तो बच्चे वर्ब, बच्चे कहता हूँ जी आप स्टूडेंट्स ही हैं मेरे, टेक प्लूरल वर्ब और लेकिन अपनी शक्ल सिंगुलर, कभी जेंट्रीज नहीं कहना, पोल्ट्रीज नहीं कहना, पुलिसिस नहीं कहना। तो क्या आंसर ठीक होगा जी मुझे बताएं, द जेंट्री डज नॉट लाइक दिस के डू नॉट लाइक दिस, दोनों में एक करेक्ट है एक रॉन्ग है जी, बोलें। बोले बोले शाबाश, कौन सा करेक्ट है जी, डू डजंट नीज वेरिया, इट्स डू। उसकी भी मैं आपको रीजन बता देता हूं, देखो मैंने अभी कहा कि इनके साथ वर्ब हमने प्लूरल देना है, ये देखो प्लूरल वर्ब, तो अगर वर्ब प्लूरल देना है तो डज तो सिंगुलर है, डज हम कब लगाते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ही डज नॉट, शी डज नॉट, नुमान डज नॉट, तो जेंट्री के साथ प्लूरल देना है तो डू नॉट ही आना है, तो हमारा बीटा ही करेक्ट है, इन सब के साथ प्लूरल लगाना है, याद रखिएगा, पुलिस आर, कभी पुलिस इज नहीं कहना, वर्मिन आर, कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक हो गया जी। किसी का माइक ऑन है, कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं, लेकिन तो मैं वरना म्यूट कर रहा हूं। रुस्तम आपका माइक ऑन है, चले मैं आपको म्यूट कर दिया है, लेकिन आप माइक ऑन कर सकते हैं अगर आप जब भी क्वेश्चन पूछना चाहें दरमियान में भी, जहां भी। नेक्स्ट मूव करता हूं जी, कमर पूछ रहा है पुलिस कलेक्टिव नाउन नहीं है, नहीं आप पुलिस को कलेक्टिव नाउन के तौर पर हम ट्रीट नहीं कर पाते कमर, उसकी रीजन है आर्मी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी जो है वो पूरे मुल्क की एक ही है, क्लास कलेक्टिव नाउन है, सारे मिलकर एक काम करते हैं, पुलिस क्यों नहीं, पुलिस तो आप गौर करें अगर इसकी रीजन भी तलाश की जाए तो आपने देखा होगा पूरे शहर की जो पुलिस होती है वो भी आपस में एक पेज पर नहीं होती, ए डिवीजन बी डिवीजन्स आपने देखा होगा, सदर, मुख्तलिफ किस्म की हमें डिवीजन्स मिल रही होती हैं, चूंकि हमें वो डिवीजन्स मिल रही होती हैं मुख्तलिफ उनकी हदूद होती हैं, तो आर्मी तो पूरे मुल्क की सेम है, वो कहीं भी है वो पूरे मुल्क की है, तो आर्मी सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन है ये नहीं। और ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था जी, उसको भी मैं साथ ही आंसर कर देता हूँ, मींस इसमें कलेक्टिव नाउन भी आती है। अच्छा जो आपके है ना अनकाउंटेबल नाउन वो कलेक्टिव नहीं है, बेसिकली कलेक्टिव नाउन आगे आएगा अभी, ऑल्दो हमने डेफिनेशन भी कर ली थी, आगे भी आएगा, थोड़ा सा आपको उससे और चीजें कलेक्टिव नाउन की समझ आएंगी। अच्छा आपने कहा फॉक भी तो कलेक्टिव है, अगर फॉक कलेक्टिव होता ना तो हम उसके साथ इज लगाते, आर ना लगाते, देखो क्लास इज है, आर्मी इज है, फॉक जो है वो आपका आर लग रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि देर इज डिफरेंस, अच्छा अब जवेरिया कह रही है कि सर
हमें ये भूल सकते हैं, वोकैबुलरी सारी ज्यादा है, तो आपने काम किया करें, आप जब टेबल को, ये टेबल बना लें, ये टेबल है, टेबल को याद करें कि ये पुलिस वाले टेबल में था, मतलब ये पेजेंट्री, कैटल, अल्फाबेट, ये जी पुलिस वाले टेबल में था, तो जो पुलिस का रूल है वही इनका रूल है। इस तरीके से आपको याद रह सकते हैं कि आप लिंक करके याद कर लें, लिंक ये बगैर आप याद करेंगे तो आपके लिए बड़े मसाइल होंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये बीटा करेक्ट था, आपको नजर आ रहा है जी, आपको हमारे इधर के पीपल्स भी हो सकता है जब वो डिफरेंट नेशंस के हों, जब वो डिफरेंट कौमियतों के हों, तो तब हम पीपल्स कह सकते हैं, अदरवाइज हम पीपल ही कहेंगे। पीपल्स ऑफ पाकिस्तान नहीं कहना, पीपल ऑफ पाकिस्तान, हाँ पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड कह सकते हैं, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आ जाएंगे, मुख्तलिफ नेशंस के। नेक्स्ट जो है, आप याद रखिएगा, आपके पास अल्फाबेट्स आप कह सकते हैं जब वेरियस लैंग्वेजेस के हो, मुख्तलिफ जुबानों के हो। अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश आर 26, देखो मैंने रूल क्या बताया था, पीछे गौर कीजिएगा कि वह प्लूरल स्ट्रक्चर सिंगुलर, एक ही जुबान के तो अल्फाबेट नहीं है, और चूंकि हर जुबान के अल्फाबेट ज्यादा होते हैं, तो अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश आर 26 अल्फाबेट्स नहीं, लेकिन जब वो मुख्तलिफ जुबानों के होते हैं तो तब आप अल्फाबेट्स भी कह सकते हैं। अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू आर क्वाइट डिफरेंट, अल्फाबेट्स ऑफ उर्दू एंड इंग्लिश। अब अल्फाबेट्स क्यों बोला, क्योंकि मुख्तलिफ जुबानों के, उर्दू और इंग्लिश के। ऑफ स्प्रिंग ही कहना है, ये ऑफ स्प्रिंग्स तो नहीं कहना, लेकिन एक है तो एन ऑफ स्प्रिंग इज, दो या ज्यादा हैं तो टू ऑफ स्प्रिंग आर, थ्री ऑफ स्प्रिंग आर, फोर ऑफ स्प्रिंग आर, तो फिर आपने आर यूज करना है, टू ऑफ स्प्रिंग आर, लेकिन एक है तो एन ऑफ स्प्रिंग इज। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? लेकिन ऑफ स्प्रिंग्स कभी नहीं कहना, जितने मर्जी बच्चे या औलाद हो, भाइयों में आपने ये वर्ड कई बार देखा होगा। रूल नंबर 5 पर हम जो है वो पहुंच चुके हैं। द फॉलोइंग नाउंस टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब्स अकॉर्डिंग टू यूसेज, ये यूसेज बेस्ड है जी, सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल वर्ब भी आ सकता है, फैसला करते हैं। ये पहला आपको नजर आ रहा है सिंगुलर यूसेज का कॉलम, दूसरा नजर आ रहा है प्लूरल यूसेज का कॉलम। सिंगुलर यूसेज, इनिंग्स आपको नजर आ रहा है, तो एन इनिंग्स इज, इनिंग्स कहना है, कभी इनिंग तो कहना नहीं ना, एक भी क्रिकेट की आपकी इनिंग्स है तो वो इनिंग्स ही है, और अगर टू इनिंग्स है तो आर गौर करें, प्लूरल हो गया, रहना इनिंग्स ही है, इनिंग नहीं करना। मीन्स का मतलब मेथड या वे, मेथड या वे, मीन्स जरिया तरीका, और अगर मीन्स का मतलब रिसोर्सिस है तो आप उसको प्लूरल ले लेंगे। अब इसका तरीका बताता हूं, जुमला आपको लिख रहा हूं, आप सेंटेंसेस लिखा करें साथ साथ। द ओनली मीन्स ऑफ ट्रेवल फ्रॉम कराची टू सांगड़ इज बाय रोड, द ओनली मीन्स ऑफ ट्रेवल फ्रॉम कराची टू सांगड़ इज बाय रोड, मतलब ये है ओनली वे ऑफ ट्रेवल, ओनली मेथड ऑफ ट्रेवल। अब मीन्स को अगर मैं रिसोर्सिस के मीनिंग में यूज करूंगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। हिज मीन्स ऑफ इनकम आर लिमिटेड, अब हिज मीन्स ऑफ इनकम आर लिमिटेड मतलब उसे के जराए आमदनी महदूद है, उसके इनकम के जराए महदूद है, हिज मीन्स ऑफ इनकम आर लिमिटेड। तो आई डू होप कि आपको इससे काफी फायदा हुआ होगा। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो सिंगुलर, मैथमेटिक्स स्किल ऑफ मैथमेटिक्स है तो प्लूरल। अब इसमें देखें, मैथमेटिक्स इज एन ईजी सब्जेक्ट, लेकिन हिज मैथमेटिक्स आर पुअर, अब आर क्यों लगाया, क्योंकि जब मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स आर पुअर मतलब किताब नहीं कमजोर, इसका मतलब उसकी स्किल कमजोर है, उसकी प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की स्किल कमजोर है, तो हिज मैथमेटिक्स आर पुअर। वेजिस, रिवार्ड ऑफ अ डीड, बदला। वेजिस ऑफ सिन आर हेल, गुनाह का बदला जहन्नुम है, कहना वेजिस ही है रिवार्ड ऑफ अ डीड के मतलब, एक बदला आपके अमल का,
ये मैंने बाइबल की लाइन बोली है बकायदा, वेजेस ऑफ सिन इज हेल। लेकिन अगर वेजेस का मीनिंग सैलरीज का होता है तो आप प्लूरल लगाएं, वेजेस हैव बीन पेड, उजरतें अदा कर दी गई हैं। पॉलिटिक्स फील टू रन स्टेट तो सिंगुलर है, पॉलिटिक्स इज माय इंटरेस्ट एक फील्ड है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम एक फील्ड है। लेकिन अगर पॉलिटिक्स का मीनिंग पॉलिटिकल एक्टिविटीज आ जाता है, कुछ ऐसा मीनिंग आता है जिसमें मतलब आता है कोई सियासी सरगर्मियों का मीनिंग आ रहा है, तो अगर वो सियासी सरगर्मियों का मीनिंग आ रहा है तो आप पॉलिटिक्स को प्लूरल लेंगे। हिज पॉलिटिक्स आर बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। अच्छा जी, क्वेश्चन आया है कि यही पढ़ा था मैं, हमने सर कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, नहीं कैटल आर आना जवेरिया अहमद, आपने कहीं ना कहीं गलत पढ़ा है, कैटल आर मेरी एक बात याद रखिएगा। चले मैं आपको डिक्शनरी, आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पर, तो आपको कैटल का कोई जुमला डिक्शनरी से दिखा देता हूं। लेकिन यहाँ वो कैटल को एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं किया गया, लेकिन कैटल को कभी कैटल नहीं कहना, ये ज्यादा ही होते हैं। देखो डोमेस्टिकेटेड बोवाइन एनिमल्स एज अ ग्रुप, एनिमल्स तो ये ज्यादा जानवर होते हैं, तो ये कैटल इज नहीं कहना, कैटल आर कहना। कैटल का याद रखिएगा, कैटल असल में यूज ही ज्यादा एनिमल्स के लिए किया जाता है, एक एनिमल को आप एनिमल ही कहें, मवेशी आप कहते ही था, इसके मैंने कहा मवेशी जब ज्यादा होते। वेजेस हैज बीन पेड, नहीं आतिफ साहब, वेजेस हैव बीन पेड, ये अगली स्लाइड पर आएगा, वेजेस के ऊपर आपको स्टेरिक नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। ठीक हो गया, गुड क्वेश्चनिंग जी, अच्छी बात है, आप क्वेश्चनिंग किया करें, बल्कि मैं तो कहता हूँ ओरल बोल के भी किया करें, आप ओरल बोल के क्वेश्चनिंग कम करते हैं आप लोग, मजा आता होता है और एक लाइव क्लास का समय आता है। अच्छा जी, पॉलिटिक्स भी हो गया, हिज पॉलिटिक्स आर बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस। एथिक्स का मीनिंग अगर सब्जेक्ट है तो वो सिंगुलर है, एथिक्स भी आपको पता है अखलाकियात एक सब्जेक्ट भी है, अक्सर इस्लामिक स्टडीज के साथ ऑफर किया जाता है, तो एथिक्स ऑफ इस्लाम, सॉरी पहले सब्जेक्ट लेती, एथिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, एथिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट, लेकिन एथिक्स ऑफ इस्लाम आर यूनिवर्सल, इस्लाम के मॉरल्स, इस्लाम की अखलाकियात यूनिवर्सल है, तो एथिक्स ऑफ इस्लाम आर यूनिवर्सल। ठीक हो गया जी, नेक्स्ट आते हैं स्टेटिस्टिक्स, स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट है, नीचे इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट है तो सिंगुलर नहीं, लेकिन अगर स्टेटिस्टिक्स या इकोनॉमिक्स में मीनिंग डिफरेंट हो जाए, स्टेटिस्टिक्स का काउंटिंग हो जाए, अदादो शुमार, इकोनॉमिक्स का फाइनेंशियल कंडीशंस हो जाए तो प्लूरल दें। स्टेटिस्टिक्स शो दैट पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, स्टेटिस्टिक्स शो, शोज नहीं करना जी, शो। अब ये शो क्यों करना है, उसकी रीजन के अदादो शुमार ये जाहर करते हैं, स्टेटिस्टिक्स शो करते हैं, तो हमें प्लूरल देना पड़ेगा, शोज कर देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान आर इंप्रूविंग, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान आर इंप्रूविंग, के पाकिस्तान की इंप्रूविंग इकोनॉमिक्स बेहतर हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर हो रही है। नेक्स्ट मूव करते हैं जी, हमारे पास वर्ड आ गया एथलेटिक्स, एथलेटिक्स एक कॉन्टेस्ट है, एक मुकाबला है, जैसे ओलंपिक्स में होता है तो सिंगुलर है, एथलेटिक्स इज द मेन पार्ट ऑफ ओलंपिक्स इज लगाना है, एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है जी। लेकिन अगर एथलेटिक्स का मीनिंग फिजिकल एक्सरसाइजेज है, जिस्मानी वर्जिशें हैं, तो आप प्लूरल दें, जैसे एथलेटिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द यूथ, के नौजवानों के लिए एथलेटिक्स बहुत अहम है, मतलब फिजिकल सरगर्मियां, जिस्मानी सरगर्मियां बहुत अहम है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो जी स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में से कुछ पूछना है आप, लेकिन आप एक्सेप्शन कर लेते हैं, फिर आपकी क्वेश्चनिंग लेता हूं। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, देखो पॉलिटिक्स का हम सिंगुलर यूसेज दिया, इज अ डर्टी गेम,
क्योंकि अब वो एक फील्ड है, लेकिन हिज पॉलिटिक्स आर बेस्ड ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो गई, क्योंकि हम कह रहे हैं ईमानदारी और सच्चाई पर मबनी है, इसका मतलब हम उसकी सरगर्मियों की बात कर रहे हैं, तो हम आर लगाएंगे। वेजेस अगर सैलरीज के मीनिंग में है तो प्लूरल है, लेकिन हम वर्ड वेज भी यूज करते हैं अगर एक सैलरी है, अगर एक सैलरी है तो वेज इज पेड, लेकिन अगर वेजेस का मीनिंग है वर्ड लिखा है सैलरी के मीनिंग तो वेजेस हैव बीन पेड, लेकिन अगर वेजेस का मतलब रिवार्ड ऑफ अ डीड है, अमल का बदला है, तो फिर उसको सिर्फ वेजेस ही कहना है, वो सिर्फ सैलरी के मीनिंग में वेज हो सकता है, कभी अमल के बदले के मीनिंग में अपने वेज नहीं कहना कि वेज ऑफ सीन इज हेल, फिर वेजेस ही कहना है, कहना भी वेजेस है, वर्ब भी सिंगुलर है, वेजेस ऑफ सीन इज हेल जी, कि गुनाह का बदला जहन्नुम है। वेज हैज बीन हो सकता है, ठीक है, वेजेस हैज बीन नहीं हो सकता जी, वेज हैज बीन, और वेज हैज बीन पेड बिल्कुल ठीक है आतिफ साहब, वेज हैज बीन पेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये देखो आपको मैंने वो लिख के भी दिया कि वेजेस आर पेड, लेकिन वेज इज पेड, कि वेज अदा कर दी जाती है, इज पेड, वेजेस आर पेड। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास, द फॉलोइंग नाउन्स टेक सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल वर्ब्स, कि ये जो नाउन्स है ना ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के वर्ब्स लेते हैं, आ या दिस डियर, गौर करें तो आप सिंगुलर लगाएं, आ से पता लग गया एक है, डियर से पता लग गया एक है, लेकिन अकेला डियर लिखा है ना डी डब्ल्यू आर, अकेला डियर तो वो ज्यादा ही होंगे, क्योंकि अगर वो एक होता तो आ तो लाजम लगा होता ना, आ या दिस शीप लिखा हुआ है तो आप सिंगुलर कह सकती, शीप अकेला है तो वो प्लूरल है, शीप आर स्विमिंग, आ शीप इज स्विमिंग, आ या दिस फिश आप सिंगुलर लगाएं, आ फिश इज रोलिंग, दिस फिश इज रोलिंग, लेकिन अकेला फिश लिखा है तो आप उसको प्लूरल रखें, फिशेज नहीं कहना, शीप्स कभी नहीं कहना, डियर्स कभी नहीं कहना, अ फिश वाज रोलिंग, आई सॉ मेनी टाइप्स ऑफ फिशेज इन द एक्वेरियम। अब हमने फिशेज कह सकते हैं लेकिन उसकी शर्त है कि वह मुख्तलिफ किस्मों की हो, लेकिन शीप और डियर को तो हमने तब भी शीप्स और डियर्स नहीं कहना जी, किसी सूरत नहीं कहना शीप्स एंड डियर्स, उस सूरत में भी नहीं कहना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास जो है रूल नंबर सिक्स में कुछ है पूछने वाली डिस्कस करने वाली तो नहीं है, नहीं तो रूल नंबर सेवन में आ रहा हूं। रूल सेवन में आप आए तो ऑलवेज एड सम काउंटेबल वर्ड्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स टू मेक देम काउंटेबल, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है, आपने रूल नंबर थ्री में भी पढ़े, एडवाइस, ग्रास, इंफॉर्मेशन, न्यूज, पोएट्री, वर्क, ब्रेड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बैगेज, लगेज, ये सारे सिंग जो हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और अनकाउंटेबल नाउन्स की हमने शर्त पढ़ी हुई है कि वो कभी प्लूरल नहीं हो सकते, मतलब कभी एडवाइसिस नहीं कहना, ग्रासेस नहीं कहना, इंफॉर्मेशन नहीं कहना, न्यूज नहीं कहना, पोएट्रीज नहीं कहना, वर्क नहीं कहना। हाँ, हमने पढ़ा था कि वर्क्स तब कह लेना है रूल थ्री के एक्सेप्शन में जब वो लिटरेरी वर्क्स हों, बुक्स हों, पेंटिंग्स हों। अच्छा, इनको काउंटेबल कैसे बनाते हैं? काउंटेबल बनाने के लिए हम ऐड सम काउंटेबल वर्ड्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स, हम इनके साथ कोई ना कोई वर्ड ऐड करेंगे, जैसे एडवाइस गिननी है ना तो टू एडवाइस नहीं कहना, टू एडवाइसिस नहीं कहना, हाँ आ पीस ऑफ एडवाइस ज्यादा है, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, टू पीसेस ऑफ एडवाइस, थ्री पीसेस ऑफ एडवाइस, इस तरह ग्रास है तो ग्रासेस नहीं, आ ब्लेड ऑफ ग्रास, मेनी ब्लेड्स ऑफ ग्रास, थ्री ब्लेड्स ऑफ ग्रास, इंफॉर्मेशन नहीं कहना, आ इन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीस, थ्री पीस, यही आ पीस ऑफ न्यूज है। पोएम, पोएट्री को भी आप कह लें आ पोएम, टू पोएम्स, थ्री पोएम्स, लेकिन आ पोएट्री नहीं कहना, हाँ कहना है तो आ पीस ऑफ पोएट्री, क्या कहना है, आ पीस ऑफ पोएट्री आपने कह रहे हो। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, एक मिनट जी, एक मिनट, स्लाइड दोबारा ओपन करता हूँ। यस,
पेन भी दोबारा लेना पड़ेगा। यस ओके जी, यही वर्क के साथ है। अब पीस ऑफ वर्क, मैनी पीसेस ऑफ वर्क, याद करें अपने एप्लीकेशन में किया था आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। यही ब्रेड के साथ है, लूफ ऑफ ब्रेड, रोल ऑफ ब्रेड, कभी ब्रेड्स नहीं कहना, जितनी मर्जी खाई जाओ ब्रेड के पीस, पीस कह सकते हैं, लेकिन हम बेटर पीस के बजाय लूफ या रोल ऑफ ब्रेड कहते हैं। फर्नीचर जितना मर्जी कमरे में पड़ा हो, कभी फर्नीचर नहीं कहना, ये भी नहीं कहना टू फर्नीचर, थ्री फर्नीचर, हाँ मैनी आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, ये आप कह सकते। नेक्स्ट आते हैं इक्विपमेंट पे, अ पीस या टूल ऑफ इक्विपमेंट, अ पीस या टूल ऑफ इक्विपमेंट। तो ही गेव मी अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, टू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट। बैगेज या लगेज जो है वो आप को कभी प्लूरल, जितना मर्जी बैग्स हो, बैगजेस या लगेजेस नहीं कहना, अ ट्रंक ऑफ बैगेज, अ बैग ऑफ बैगेज आप कह सकते हैं, अ बैग ऑफ लगेज कह सकते हैं, टू बैग्स ऑफ लगेज कह सकते हैं। तो बैग और ट्रंक्स आप ऐड कर सकते हैं इसके साथ प्लूरल बनाने को। जी बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? ये नाउन आज हमारा पूरा हो जाएगा जी, आपको इंशाल्लाह इसकी एक्टिविटी देंगे। स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन? खालिद साहब, तलाल, फहीम, कमर, रुबाब, जुबेरिया, एनीथिंग टू बी आस्क्ड? अच्छा जी, जवेरिया पूछ रही हैं, जवेरिया अहमद, सर जी यू सात ए हो सकता है, हो रहा है, और सेंस हम प्लूरल की ले रहे हैं। नहीं नहीं देखो, आप पीस ऑफ एडवाइस का मतलब एक नसीहत ही है, और अगर दो हैं तो टू पीसेस ऑफ एडवाइस, थ्री पीसेस ऑफ एडवाइस। अगर मैं कहता हूँ आप पीस एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, तो एक फर्नीचर ही है, वो कोई कुर्सी है, कोई टेबल है। टू आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर का मतलब है कि यहाँ दो चेयर्स हैं या चेयर और टेबल है, तो फिर दो टी पीस होंगे, वो एक एक का मीनिंग देगा। सर माय लगेज वाज हैवी या वर हैवी, माय लगेज वाज हैवी। देखो आपने रूल थ्री में पढ़ा, आपको रूल थ्री में वापस ले चलता हूँ। असल में आप रूल थ्री में ये देखें कि हमने क्या पढ़ा, वर्ब भी सिंगुलर, स्ट्रक्चर भी सिंगुलर। तो ये देखो लगेज लिखा हुआ, तो वर्ब सिंगुलर देना है, माय लगेज वाज हैवी, ठीक हो गया। हाँ आप ये कह सकते हैं कि माई बैग्स ऑफ लगेज, तो वो बैग्स ऑफ लगेज, ट्रंक्स ऑफ लगेज, फिर आप वर कह लें, फिर आपको कोई इशू नहीं। तो आई होप आतिफ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं जी हम रूल नंबर पहले एट पे। मैनी रोल्स ऑफ ब्रेड वर इटन बाय हर, यस मैनी रोल्स, रोल नहीं कहेंगे, रोल्स ऑफ ब्रेड वर इटन बाय हर, पर मैनी ब्रेड्स नहीं कहना आपने किसी सूरत। चले दैट्स गुड जी। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी, कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब, कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब इफ मेंबर्स एक्ट एज अ यूनिट, अगर मेंबर एक यूनिट के तौर पर एक्ट करते हैं तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेते हैं। The jury has taken a unanimous decision. ये collective noun है जी, army collective noun होते हैं, आपको definition में बताया था, जो लोग कल नहीं थे दोबारा सुन लें। जब एक ही तरह के individuals या items मिलकर एक group बना के एक unit के तौर पर काम करते हैं तो वो collective noun होते हैं। Army, jury, committee, team, family, crowd, club, herd, tribe, company, ऑडियंस, पार्लियामेंट, फ्लीट, असेंबली, फ्लॉक, पार्टी, ये सारे कलेक्टिव नाउंस हैं। तो कलेक्टिव नाउंस टेक सिंगुलर वर्ब इफ मेंबर एक्ट एज अ यूनिट, के मेंबर्स एक यूनिट के तौर पर एक्ट करेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब्स लेंगे। कलेक्टिव नाउंस टेक प्लूरल वर्ब इफ मेंबर्स एक्ट सेपरेटली, अगर मेंबर्स सेपरेटली एक्ट करें, मतलब ज्यूरी के पांच जज थे, तीन कहते हैं कि ये बंदा को फांसी दे दो, दो कहते हैं नहीं जी उम्र कैद देनी है, तो वो बेसिकली फिर आप प्लूरल वर्ब देंगे, कहेंगे ज्यूरी ही, पर ज्यूरी हैज नहीं कहेंगे, ज्यूरी हैव कहेंगे, तब बच्चा, पार्टी, स्टूडेंट्स आप प्लूरल वर्ब ही यूज करेंगे। तो आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, इस सारे, तो द ज्यूरी हैज टेकन अ यूनैनिमस डिसीजन,
जब तक जुमले में कोई ऐसी बात ना आ जाए जिससे अंदाजा हो कि लो जी ये डिवाइड हो गए, लड़ाई हो गई है, तब तक आप इनको सिंगुलर वर्ब ही देंगे। और अगला देखिए, द ज्यूरी हैव डिवाइडेड ऑन द इशू, द ज्यूरी हैव डिवाइडेड। अब हैव क्यों किया है, किस वजह से किया है, क्योंकि जो ज्यूरी है वो बेसिकली डिवाइडेड है, तीन और कह रहे हैं, चार कुछ और कह रहे हैं, ठीक हो गया जी। चले दैट्स रियली गुड। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी अपने रूल नंबर 9 के ऊपर। मटीरियल नाउंस टेक सिंगुलर वर्ब्स, देयर ओन स्ट्रक्चर इज ऑलवेज सिंगुलर। के मटीरियल नाउंस सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं और उनकी अपनी स्ट्रक्चर भी हमेशा सिंगुलर होती है। चलें, गोल्ड, आयरन, ब्रास, राइस, कॉटन, कॉपर, वुड, मटन, ये सारे मटेरियल नाउंस हैं। मटेरियल नाउंस के बारे में क्या कहा था, जो किसी जिससे और चीजें भी बनती है, राइस से डिशेस बनती हैं, कॉटन से देखो हमारी शर्ट्स बनी है, कॉपर से चीजें बनती है, लकड़ी वुड से चीजें बनती हैं। मटेरियल नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर, जितना मर्जी गोल्ड है इजी है, जितना मर्जी राइस की देगे भी पका लें तो राइस इजी है, और इनकी अपनी स्ट्रक्चर भी सिंगुलर होगी, कभी गोल्ड्स नहीं कहना, राइस नहीं कहना, वुड्स नहीं कहना। अगर आप वुड्स कहते हैं तो वो लकड़ी का मीनिंग नहीं, वो तो जंगल हो जाएगा। लकड़ी असल में मटेरियल नाउन है और आप हमेशा उसके साथ प्लूरल वर्ब नहीं सिंगुलर लगाओ। अच्छा बताइए कौन सा करेक्ट है, राइसिस आर कुक्ड बाय हर के राइस इज कुक्ड बाय हर, बोलिए जरा जल्दी से, माइक ऑन कीजिए या रिटर्न आंसर कीजिए। यस रुबाब, वेरी गुड। जवेरिया, बी। तो राइस इजी रहेगा जी, जितने मर्जी राइस हो कभी राइसिस नहीं करना, सबसे पहली बात, और कभी उसके साथ आर भी नहीं करना। राइस इज कुक्ड बाय हर, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, मटन इज माय फेवरेट एडिबल, ठीक है जी, गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव नाउअडेज, गोल्ड्स नहीं करना। रूल 10 पर आते हैं जी, बड़ा मजे का रूल है, इसको हम कहते होते हैं रूल ऑफ नाउन ऑफ नंबर का रूल। नाउन ऑफ नंबर, नंबर मतलब तादाद, 100,000, मिलियन, बिलियन, वो ट्रिलियन आ जाए, डजन, 12 का मीनिंग है, स्कोर का मतलब होता है 20। शायद किसी ने बाइबल की लाइन सुनी हो, 3 score years and 10, 3 score। अब 3 score years का मतलब है कि 20-20 को 3 से ज़रब देनी है, 3 score years and 10। तो आइए जरा इस रूल को करते हैं कि फॉलोइंग नाउन्स ऑफ नंबर डोंट टेक एस और ई एस टू बी प्लूरल इन नॉर्मल सिचुएशंस, कि ये नाउन्स ऑफ नंबर जो है इनके साथ आप एस या ई एस नहीं लगा सकते ताकि इनको प्लूरल बनाया जाए इन नॉर्मल सिचुएशंस में। मतलब कभी हंड्रेड्स नहीं कहना, 500 ही है जी, 50,000 ही है जी, 2 dozen ही कहेंगे जी, 2 dozen मैंगोस। तो दीज रिमेन सेम बोथ फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। नंबर सिंगुलर हो प्लूरल हो, 1,000, 2,000 ही है जी, 3,000 ही है। तो आई बॉट 4 dozen oranges, dozens नहीं, 500 boys ये जी। लेकिन एक exception मजे की आ रही है, exception क्या है कि अगर इनके बाद off आ जाए, if there is off after above words, इन words के बाद क्या आ गया जी, off, तो इनकी form, इनकी शक्ल plural कर दें, इनके साथ इनको plural में use करें। तो there are dozens of oranges, dozens of oranges, hundreds of boys, सैकड़ों लड़के, hundreds of boys, dozens of oranges, तो you can see there कि हमने अपना verb भी plural कर दिया, noun भी हमने अपना plural कर दिया, तो dozens of। एक और exception आई, ये भी तीनों nouns of number हैं जी, rule 10 की आप continued लिखा नजर आ रहा है आपको कि ये continued है, कि अगर आपको बड़ी यॉक लिखा नजर आ गया, हेड लिखा नजर आ गया, ग्रॉस लिखा नजर आ गया, जी आर ओ डबल एस,
यॉक जोड़ी को कहते हैं दो को, हेड होता है नग हम कह लेते हैं। अब नग से क्या बना था, आप देखो शादियों वगैरह में कहते हैं जी पर हेड करना है, तो हेड काउंटिंग के लिए यूज होता है कि कितने हेड हैं जी, मतलब कितने लोग मौजूद है, तो काउंटिंग के लिए। जो जी आर ओ डबल एस ग्रॉस है जी, ग्रॉस और चीज है, ग्रॉस असल में इसको थोड़ा सा फ्रिक्शनेट है, ये 144 पीसेस को कहते हैं, 144 पीसेस। वर्ड्स गिवन बिलो रिमेन सेम विद और विदाउट ऑफ आफ्टर देम, इनके बाद ऑफ आए, इनके बाद ऑफ ना आए, ये सेम रहेंगे। यॉक्स नहीं कहना, हेड्स नहीं कहना, ग्रॉसेस नहीं कहना। आई हैव 10 हेड ऑफ कैटल, आई हैव 10 हेड ऑफ कैटल, हेड्स ऑफ कैटल नहीं कहना। ही हैज 2 यॉक्स ऑफ ऑक्सन नहीं कहना, 2 यॉक ऑफ ऑक्सन कहना। इनको हर सूरत सिंगुलर रखना है, इनके बाद आता कि हमने अभी पढ़ा कि इन नाउंस ऑफ नंबर के बाद ऑफ आ जाए तो प्लूरल, मिलियंस ऑफ स्टार्स, लेकिन 2 यॉक ऑफ ऑक्सन है, 10 हेड ऑफ कैटल है। आप कभी भी हेड्स ऑफ कैटल नहीं कहेंगे, यॉक्स ऑफ ऑक्सन नहीं कहेंगे, ये प्लूरल नहीं होंगे, ये नाउन ऑफ नंबर, ये तीनों सिंगुलर के सिंगुलर ही रहते हैं। अच्छा, इनमें एक नाउन और यूज होता है जिसको मैं इधर लिख देता हूं, जो कि ट्रेडिशनल ग्रामर में हमारे पास मौजूद है, और हम जब ग्रामर पढ़ाते हैं तो बच्चों को कहते हैं आप ट्रेडिशनल ग्रामर के रूल फॉलो करें, वो है पेयर। पेयर PAIR भी प्लूरल यूज नहीं होना चाहिए ग्रामेटिकली, पेयर भी तो दो को कहते हैं। पेयर्स ऑफ वर्ड्स नहीं कहना, पेयर ऑफ वर्ड्स, लेकिन अक्सर बुक्स ने लिखा है पेयर्स ऑफ वर्ड्स, क्योंकि आजकल पेयर को प्लूरल यूज करने लग गए कि 5 पेयर्स, असल में ये 5 पेयर होना चाहिए, 5 पेयर आर देयर, ज्यादा है सारे आर लगाए, लेकिन हम अक्सर आजकल इसको आज के यूसेज में पेयर्स करने लग गए, ट्रेडिशनल आज भी इसको पेयर ही कहेंगे, वो भी इस टेबल में ही आएगा। जी बच्चे, हम अपने आखिरी रूल की तरफ बढ़ रहे हैं आज के, ये बहुत ही मजे का रूल है। जब भी दो नाउन्स इकट्ठे आ जाए ना, मैं एक बात आपको लिखकर समझाता हूं, जब भी दो नाउन्स इकट्ठे आ जाए, नाउन्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत मजे की बात होने जा रही है, इसको समझना है, ये इंग्लिश में अक्सर आपको मिलने को देखने को मिलता है। जब भी दो नाउन्स इकट्ठे मिले तो याद रखिएगा, नाउन को तो नाउन क्वालिफाई नहीं करता, नाउन को तो क्वालिफाई एडजेक्टिव करता है, तो उन दोनों नाउन में जो, मैं क्वेश्चन ले लूं जी, यस जवेरिया बाबर, कहीं आप मेरे साथ एंटी टेस्ट तो नहीं पढ़ रहे? यह जवेरिया, क्योंकि ये मेरे वर्ड्स हैं जो आपने अभी बोले हैं, तो कहीं आपने मेरे से तो नहीं सुने, माइट बी, और टीचर भी माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। जवेरिया बाबर, ओके, जवेरिया कह रही है कि वो मेरी एंटी टेस्ट की माजी में स्टूडेंट रही है। मैं वही कहूँ, आपने जो टर्मिनोलॉजी यूज की वो बता देती होते, कोई ना कोई मेरा अपना पुराना स्टूडेंट ही मेरे पास ये जवाब दे रहा है। अच्छा, उसमें मुझे भूल भी जाता है, शायद आपने बताया भी था एक दिन। ओके ओके ओके, दो नाउन्स इकट्ठे आए ना जब भी, तो दोनों नाउन्स में पहले नाउन को आपने एडजेक्टिव के तौर पर ट्रीट करना है, फिर वो एडजेक्टिव है, फिर वो सिंगुलर नहीं, जो मर्जी हो जाए। अच्छा, मैं कहता हूं अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, अगर ज्यादा लड़के गुड्स बॉयज कह सकता हूं कि लड़के ज्यादा हो गए तो बॉयज हो गए, तो मैं गुड्स बॉयज कह लूं, क्या मैं कह सकता हूं गुड्स बॉयज? अ गुड बॉय है तो अगर ज्यादा है तो गुड्स बॉयज कह सकता हूं। सच्ची एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, याद रखिएगा, जब दो नाउन्स इकट्ठे आए तो पहला एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की तो प्लूरल होती ही नहीं। आ गुड बॉय है और ज्यादा है तो वो गुड बॉयज हो जाएंगे, कभी कभी नहीं आप कह सकते किसी सूरत भी के गुड्स बॉयज, उसकी रीजन के एडजेक्टिव की प्लूरल नहीं होती। तो
ये भी दो नाउन जब भी इकट्ठे आते हैं तो पहले वाला नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है, उसको कभी प्लूरल नहीं कर पाते। अब हाउस वाइफ है, अगर गौर करें, हाउस नाउन है, वाइफ भी नाउन है, दो नाउन इकट्ठे आ गए। हम अक्सर यूज कर रहे होते इस तरह के, आइसक्रीम, हैंडपंप। तो हाउस वाइफ में हाउस को हमेशा सिंगुलर रखेंगे, कभी प्लूरल नहीं करेंगे। हाउस इज वाइफ नहीं करना, ना हाउस इज वाइफ्स करना है। हाँ, हाउस वाइफ्स कह सकती, हाउस वाइव्स, हाउसेज वाइव्स आपने कभी भी यूज नहीं करना, क्योंकि पहला नाउन अब एडजेक्टिव है, अब हाउस एडजेक्टिव बन चुका है दो नाउन्स में। आइसक्रीम्स कह सकते हैं, आइसिस क्रीम्स नहीं कह सकते। हैंड पंप्स कह सकते हैं, हैंड्स पंप्स नहीं कह सकते। तो गौर करें, आते हैं मजे की चीज कि आपने कभी भी 10 रुपीज नोट्स या नोट्स नहीं कहना, आपने 10 रुपी नोट या नोट्स कहना। देखो, रुपी भी नाउन, हमारी करेंसी का नाम है, जो नाम है वो नाउन है, नोट भी नाउन। भी जिसके ऊपर जो तस्वीर बनी होती है, पाकिस्तान में कायदे आजम की, अमेरिका में एक और की, और क्या नाम लेते हैं, इंडिया में आई थिंक जो है वो गांधी जी की है, तो वो कभी भी आप उसको पहले वाले को प्लूरल नहीं करेंगे, 10 रुपी नोट या नोट्स कहेंगे। नोट भी कह ले, 10 रुपी नोट तो वही है, नोट्स हैं तो वो ज्यादा है, पर रुपी हमेशा रुपी रहेगा, वो रुपीज नहीं कहेंगे। और अगला, अगर मैं नोट या नोट्स ना लगाऊं, मैं नोट उतार देता हूं, 10 रुपीज। रीजन, क्योंकि अब वो अकेला आया है, 10 रुपीज, लेकिन उसी रुपीज के आगे मैं एक और नाउन लगा देता हूं, तो फिर अब वो 10 रुपीज नोट्स नहीं होगा, 10 रुपी नोट्स होगा। 5 माइल्स होता है, लेकिन 5 माइल्स के आगे एक लफज रेस भी लगा दूं, तो 5 माइल रेस लगाएंगे। ठीक है, 2 years ही होता है जी, 2 years, लेकिन अगर आगे मैंने एक वर्ड चाइल्ड भी लगा दिया है, तो 2 year old चाइल्ड। 10 मिनट्स ही होता है, 10 मिनट्स, लेकिन अगर आगे मैं कोई नाउन लगा लूं, तो 10 मिनट रेस्ट कह लेंगे। अच्छा, टाइम एक्सप्रेशन का याद रखिएगा कि एक और तरीका भी है, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन के साथ अपोस्ट्रॉफी भी लगा सकते हैं, तो आप टाइम 10 मिनट्स रेस्ट कह सकते हैं, लेकिन आप यहां फिर अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। 10 मिनट्स रेस्ट, 10 मिनट्स का अपोस्ट्रॉफी की वजह से वो मिनट्स और रेस्ट जरा दूर दूर हो जाएंगे, उस अपोस्ट्रॉफी की वजह से 10 मिनट्स का रेस्ट। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 10 मिनट्स रेस्ट और दरमियान में अपोस्ट्रॉफी भी ना हो, क्योंकि टाइम एक्सप्रेशन के साथ हम अपोस्ट्रॉफी लगा लेते हैं। 8 days रेस्ट, 8 day रेस्ट नहीं, 8 day रेस्ट देखो हम कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है रेस्ट भी नाउन है और डेज भी नाउन है। हाँ, वही टाइम वाला फार्मूला इधर भी आएगा, क्योंकि डे भी एक टाइम है, आप 8 days रेस्ट कह सकते हैं, लेकिन आपको एस के ऊपर अपोस्ट्रॉफी देनी पड़ेगी 8 दिन का बनाने के लिए। 3 feet स्केल आप अक्सर यूज करते हैं ना, 3 feet, फीट प्लूरल है, फुट सिंगुलर है, लेकिन वो फीट नहीं करना, 3 foot स्केल कहना है। रीजन, स्केल नाउन है, फुट भी यूनिट का नाम है, तो 2 नाउन इकट्ठे आ जाएंगे, तो पहला नाउन हर सूरत सिंगुलर होगा, तो 3 foot स्केल कहना है। तो आई डू होप आप लोगों को चीजें समझ आई होंगी जी। ये हमारे रूल्स खत्म हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अभी स्लाइड्स अपलोड कर देता हूँ, ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, इनको कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है नाउन की करेक्शन के बारे में, कोई क्वेश्चन? कल हमने शुरू की थी, आज हमने मेजर हिस्सा किया, कल तो सिर्फ 2 रूल्स ही किए थे, खत्म असल में हमने आज किया है काम। तो एनी क्वेश्चन जी, एनीथिंग टू बी आस्क्ड जी, डियर स्टूडेंट्स, कुछ भी। अच्छा, मैं एक मजे की चीज बताऊं, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन, तो वी हैव 2 assumptions, आइदर दे हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और दे हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग। तो व्हाट शुड आई गो विद, विद ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग और यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग? ऑप्शन ए, कंबर इज सेइंग
ओके जवेरिया आपको लेक्चर आ जाता है अंडरस्टूड जी. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, मे प्रोटेक्ट यू जी. असाइनमेंट्स मारिया अब चेक कर रहा हूँ लाजमी. असल में कोई एक दो दिन आपके लेक्चर से मैं प्रॉपरली लेने की कोशिश करता रहा हूँ, कुछ प्रोफेशनल ड्यूटीज में रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आज रात आपके असाइनमेंट जरूर चेक करूंगा. लेक्चर्स की वीडियो में रेंडर कर चुका हूँ, वो भी अभी मैं अपलोडिंग होने पर अभी लगा देता हूँ, नो इश्यूज. जी जो एट डी है इसके दरमियान में जो स्लैश लगाई है ये हमने ऊपर तो ऐसा नहीं किया. तो सर जी एट डी इसके दरमियान में जो स्लैश लगाई है और 3 फुट यहाँ पे भी स्लैश लगी हुई है, ऐसा हमने ऊपर नहीं किया. सर जी हमें किस केस में लगानी है ये बता. अच्छा, हम करना चाहे कर सकते हैं, ना करना चाहे ना कर सकते हैं. माइक बंद कर लें आपका, ना शोर ज्यादा आ रहा है. हाँ थैंक यू. असल में आप 10 मिनट्स रेस्ट में भी लगा सकते हैं. आप याद रखिएगा इसको हम कहते होते हैं हाइफन, डैशेज और होती हैं जो कंपाउंड वर्ड्स बनाती है ना, मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर एक नया वर्ड क्रिएट कर रहे, तो हम उसके दरमियान हाइफन लगा देते हैं, छोटी सी डैश होती है ये. हम जब भी 2 वर्ड्स मिलकर एक वर्ड बना रहे हो तो हाइफन लगा सकते हो. असल में स्केल एक नाउन है, 3 फुट मिलकर उसका एक एडजेक्टिव बन रहा है. रेस्ट एक नाउन है, 8 डेज या 8 डे मिलकर उसका एडजेक्टिव बन रहा है. तो 2 लफ्ज मिलकर एक एडजेक्टिव बन रहे. स्केल की खूबी क्या है, 3 फुट का है. रेस्ट की खूबी क्या है, 10 मिनट का है. आप 10 मिनट के अंदर भी हाइफन लगा सकते हैं, मिस कर दें ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, हम करते रहते हैं, लेकिन अगर आप लगा लें तो और अच्छा है कि नजर आ जाएगा आप ये 8 डे 3 फुट 10 मिनट 2 ईयर के दरमियान भी आ सकता था, 5 माइल के दरमियान भी आ सकता था, क्योंकि ये अब 1 5 माइल एडजेक्टिव है. रेस कितनी थी जी, रेस की कितनी थी, 5 माइल, 5 माइल की रेस थी. आई डू होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी. और जी कोई क्वेश्चन?